बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। अगर आपको आपके मृत पूर्वजों के पितरों के सपने दिखाई दे रहे हैं तो उनके अर्थ क्या हैं, कैसे उनके अर्थ को समझें। देखिए, अगर सपने में कोई एक पूर्वज दिख रहा है, कोई एक व्यक्ति दिख रहा है जिसका देहांत तो हो चुका है, तो निश्चित रूप से वो कुछ कहना चाहता है, उसका संदेश समझने की कोशिश करनी चाहिए और थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप उसका संदेश समझ लेंगे। अगर ढेर सारे पूर्वज दिखाई दे रहे हैं तो समझना चाहिए कि घर में किसी व्यक्ति की आयु के लिए, किसी व्यक्ति के एज के लिए संकट आ सकता है। अगर सपने में आप अपने किसी पूर्वज को कुछ दे रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा। लेकिन इसके अपोजिट, अगर सपने में आपका कोई पूर्वज आपको कुछ दे रहा है तो समझना चाहिए कि आने वाले वक्त में आप काफी सफल होंगे, सफलता की नई ऊंचाइयां छुएंगे और जीवन की कोई बड़ी बाधा कट जाएगी। अगर सपने में किसी पूर्वज के साथ दुर्घटना देख रहे हैं या खराब स्वास्थ्य देख रहे हैं तो समझिए कि आपके ऊपर आने वाला संकट टल गया है। तो ज्यादातर पूर्वजों और पितरों के सपने आपकी सुरक्षा के लिए हैं, आपको संदेश के लिए हैं, आपको आने वाले समय के बारे में बताने के लिए हैं। उनको समझ करके अगर आप वैसा एक्ट करेंगे, उसका पालन करेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। देखिए, संकेत दो तरह के हो सकते हैं। एक तो संकेत ये है कि आप किसी मुश्किल में पड़ने वाले हैं, इसलिए आपको बचाने के लिए वो संकेत देने के लिए आ गए हैं। यानी अगर आपके पूर्वज सपने में आते हैं, आपको थोड़े दुखी दिखाई दे रहे हैं, उदास दिखाई दे रहे हैं, तो आप दो बातें समझिए। या तो वो परेशान हैं, उनकी कोई इच्छा बाकी है जो पूर्ण नहीं हो पा रही है, और या तो वो आपको ये सूचना दे रहे हैं कि आने वाले समय में तुम मुश्किल में आ सकते हो, इसलिए आपको आने वाले समय के लिए सावधान हो जाना चाहिए। अब उनकी इच्छा बाकी है तो कौन सी इच्छा कैसे पूरी होगी, ये समझ पाना सामान्य लोगों के बस की बात नहीं है। तो सामान्य स्थिति में आप ऐसा करिए कि अगर आपको आपके पूर्वज दुखी, उदास या मलिन दिखाई दे रहे हैं सपने में, तो आप अगले दिन उनके लिए भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ कर लीजिएगा, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिले। प्रार्थना जरूर करिएगा। और दो चार लोगों को या किसी एक निर्धन को, जैसा भी आप कर सकें, जैसा भी संभव हो, भोजन करा दीजिएगा अपने पूर्वजों के नाम से, अपने पितरों के नाम से। ऐसा करने से आपके पितरों के, आपके पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलेगी। अब जो दूसरी सूचना वो दे रहे हैं कि आने वाला समय कठिन हो सकता है, आने वाले समय में आपको मुश्किल हो सकती है, उससे आपको बचाने के लिए कह रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अगले दिन आप सुबह उठ के स्नान करके अपने पूर्वजों का धन्यवाद व्यक्त करिए और उसके बाद गाय को हरा चारा या गाय को हरा फल खिला दीजिएगा, तो आने वाले समय की जो मुश्किल है उससे आप बच जाएंगे। तीसरा एक विशेष बात है, अगर पूर्वज आपको सपने में कुछ दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप जानबूझकर के समस्याओं को अपने जीवन में बुला रहे हैं, या अगर आप कोई नया काम करने जा रहे हैं, किसी काम की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो उसे उसी समय रोक दीजिए वरना मुश्किल में आ जाएंगे। सपने में पूर्वजों का देना आपके लिए गंभीर चेतावनी हो सकती है, इसलिए उस समय पर गौर करिए कि उस समय आप क्या करने जा रहे हैं। अगर आप कोई नया काम करने जा रहे हैं, कुछ समय के लिए रुकिए। अगर आप कोई नई प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं, बनवाने जा रहे हैं, कुछ समय के लिए रुकिए, तो वो आपके लिए काफी बेहतर होगा। तो पूर्वजों के सपनों को लेकर परेशान होने या डरने की जरूरत नहीं है, उनके संकेत समझ करके अगर आप उपाय करेंगे तो आपको लाभ अवश्य होगा।